अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेलीप्राइम में सेल्स वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि टेली में परचेज वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हमने आपको परचेज वाउचर वाली वीडियो में बताया था कि परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर मुख्यतः माल यानी गुड्स से संबंधित होते हैं। साथ ही इन चारों वाउचर्स में समान रूप से उपयोग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी। आप उन सभी बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो परचेज वाउचर वाली वीडियो अवश्य देख लें। परचेज वाउचर वाली वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण बात भी बताई थी कि टैली ने इन चारों वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए तीन मोड्स दिए हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। और इन तीनों मोड्स के बारे में भी हमने आपको अच्छे से समझाया था, साथ ही ये भी बताया था कि मोड कैसे चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सेल्स वाउचर के बारे में बता देते हैं। जब व्यापार में खरीदे गए माल या मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की स्थिति में तैयार माल का विक्रय किसी कस्टमर को कैश या क्रेडिट पर किया जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण काम है सेल्स, और प्रत्येक सेल के साथ हमें उसका बिल भी देना होता है। तो आइए देखते हैं कि सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं। अभी हमने टैली में अपनी कंपनी ओपन कर रखी है और हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। सेल्स वाउचर के लिए वी प्रेस करें, अब F8 की प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही सेल्स वाउचर क्रिएशन विंडो आ गई है और ये आइटम इनवॉइस मोड में है। और इसकी पहचान ये है कि इसमें यहाँ पर हमें नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ दिखाई देता है। आइए अब हम सेल्स का पहला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमने एसके ट्रेडर्स को 1 जुलाई 2020 को सोनी टीवी 20 इंच वाले दो नग 25,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से और सोनी टीवी 30 इंच वाले दो नग 35,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचे, जिसका कुल अमाउंट 1,20,000 रुपए हमें नकद प्राप्त हो गया। सबसे पहले F2 की प्रेस करके वाउचर की तारीख बदल लेते हैं। एंटर प्रेस करें। पार्टी अकाउंट नेम के आगे पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ समझने की बात यह है कि यदि हम कोई माल बेचते हैं और उसका पेमेंट कैश या फिर बैंक के चेक से हाथों हाथ यानी माल देते समय ही प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हमने जिस भी तरह से पेमेंट प्राप्त किया है, यानी यदि कैश प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट, और यदि कस्टमर ने चेक दिया है तो वो चेक जिस बैंक में जमा करने वाले हैं उस बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखें, यदि माल डिलीवरी के समय ही चेक से पेमेंट आ जाता है तो इसे भी कैश सेल ही माना जाता है। बस फर्क इतना है कि कैश हमारे हाथ में ना आते हुए चेक के माध्यम से सीधे बैंक में जमा हो जाएगा। और यदि हमने ये माल किसी को उधार यानी क्रेडिट पर बेचा है तो यहाँ जिस कस्टमर को माल उधार बेचा है उसका अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। हमने ये माल कैश पेमेंट लेकर बेचा है, इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से हम कैश अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करें। यहाँ डिस्पैच डिटेल्स की छोटी विंडो आ रही है। इसमें माल के डिस्पैच यानी डिलीवरी से संबंधित डिटेल्स दी जा सकती हैं। हम कोई डिटेल नहीं देना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल और ए से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिस्पैच डिटेल्स के बाद पार्टी डिटेल्स की विंडो आती है। इसमें आप बायर्स डिटेल्स यानी जिसे आप माल बेच रहे हैं उसकी जो भी डिटेल्स देना चाहें दे सकते हैं। अब यहाँ सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करें। हम नेम ऑफ आइटम्स में आ गए हैं। यहाँ हमें स्टॉक आइटम का नाम सेलेक्ट करना होगा। स्टॉक आइटम के नाम के लिए उसका पहला अक्षर टाइप करें, जैसे हमने सोनी टीवी 20 इंचेस के लिए टाइप किया S।
ये देखिए राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ रही है और उसमें हमारे द्वारा टाइप किए गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम हाईलाइट हो रहे हैं और उनके नाम के साथ ही वो आइटम अभी कितनी क्वांटिटी में हमारे पास स्टॉक में है ये भी लिखा दिखाई पड़ रहा है। हम आइटम का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा करते ही हम क्वांटिटी फील्ड में आ जाएंगे। यहाँ जो स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया है वो जितनी क्वांटिटी में बेचा है वो टाइप करें, एंटर प्रेस करें। यहाँ उस स्टॉक आइटम का विक्रय मूल्य यानी सेल्स रेट टाइप करें, एंटर प्रेस करें। ये देखिए अमाउंट फील्ड में उस स्टॉक आइटम का पूरा मूल्य आ गया है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। इसी तरह आपने जो भी स्टॉक आइटम्स सेल किए हैं वे सभी एक एक करके यहां पर सिलेक्ट कर लें। अब अंत में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। नरेशन में आप इस सेल से संबंधित जो भी डिटेल्स देना चाहें वो टाइप कर दें और फिर एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। माल के साथ हमें पार्टी को बिल भी देना होगा। बिल का प्रिंट कैसे निकालते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए कि बिल किस तरह का दिखेगा हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए पेज अप की प्रेस करें। देखिए हमने जो वाउचर अभी सेव किया था वो दिखाई पड़ रहा है। अब आप यहाँ टॉप मेन्यू बार में प्रिंट ऑप्शन देख रहे हैं। उसके लिए Alt और P कीज को प्रेस करें। यहाँ से हमें करंट सिलेक्ट करना है। उसके लिए या तो यहाँ माउस से क्लिक करें या R प्रेस करें। अब यहाँ प्रिंट प्रीव्यू के लिए या तो प्रीव्यू पर क्लिक करें या I प्रेस करें। इस बिल को अच्छे से देखने के लिए या तो यहाँ जूम पर क्लिक करें या Alt और Z प्रेस करें। अब आप इस बिल को स्क्रॉल करके अच्छे से देख सकते हैं। अब बाहर आने के लिए स्केप की का उपयोग करें। ध्यान रखें सेल्स वाउचर में पार्टी अकाउंट नेम हमेशा ऊपर रहता है और इसमें यदि नकद लेकर माल बेचा है तो कैश अकाउंट, यदि चेक लेकर माल बेचा है तो जिस बैंक में चेक जमा करने वाले हैं उस बैंक का अकाउंट, और यदि उधार यानी क्रेडिट पर माल बेचा है तो जिस पार्टी को उधार माल बेचा है यानी कस्टमर का अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। और इसके बाद सेल्स लेजर आता है जिसमें हमेशा सेल से संबंधित जो भी लेजर होगा वो सिलेक्ट करना होता है। आइए अब दूसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमने मोहन ट्रेडर्स को 31 जुलाई 2020 को एक टन वाले गोदरेज जैसी 6 नग 35,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से और सोनी टीवी 20 इंच वाले 2 नग 24,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से उधार बेचे जिसका कुल अमाउंट 2,58,000 हुआ। गेटवे ऑफ टैली पर वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करेंगे, आइटम इनवॉइस में जाएंगे। फिर F2 की प्रेस करके वाउचर की तारीख बदल लेते हैं। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे। यहाँ डिस्पैच डिटेल्स की छोटी विंडो आ रही है, इसमें माल के डिस्पैच यानी डिलीवरी से संबंधित डिटेल्स दी जा सकती हैं। हम कोई डिटेल नहीं देना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल और A से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिस्पैच डिटेल्स के बाद पार्टी डिटेल्स की विंडो आती है। देखिए हमने जिस पार्टी का लेजर सिलेक्ट किया था उसकी पूरी डिटेल्स आ रही हैं। सेल्स लेजर, इसमें सेल्स अकाउंट लेंगे और फिर नेम ऑफ आइटम, ये हमने लिया गोदरेज एसी 1 टन। देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में सभी स्टॉक आइटम्स के नाम के बाद वे कितनी क्वांटिटी में स्टॉक में हैं ये भी लिखा दिखाई पड़ रहा है।
हमारे पास 5 एसी ही हैं, जबकि हम बिल 6 एसी का बनाने जा रहे हैं और हमने उपलब्ध स्टॉक का ध्यान नहीं दिया और स्टॉक आइटम सिलेक्ट करके आगे बढ़ गए। जब आप क्वांटिटी लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो एक नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आएगा, फिर भी आप बिल बनाना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यदि आप उस आइटम का बिल नहीं बनाना चाहते हैं तो बैकस्पेस की से आइटम के नाम पर जाकर उसे डिलीट कर दें। और यदि उसके स्थान पर आप कोई दूसरा आइटम लेना चाहते हैं तो लिस्ट में से उसे सिलेक्ट कर लें। हम वापस गोदरेज जैसी 110 सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ क्वांटिटी में बाय डिफॉल्ट वही क्वांटिटी आ रही है जो हमने अभी टाइप की थी, हम यही रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पर रेट डालेंगे। यदि बिल में एक से ज्यादा आइटम्स हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें। नरेशन डालें और अंत में इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि हमारे पास 5 एसी पहले से स्टॉक में थे और 5 हमने आज और खरीदे हैं, जिसकी एंट्री अभी हमने कंप्यूटर में नहीं की है, यानी जिनका ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड करना बाकी है और कोई ग्राहक माल लेने आ गया, तो कंप्यूटर में स्टॉक तो 5 एसी का ही दिखेगा जबकि हमारे पास 10 एसी स्टॉक में है। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय नेगेटिव स्टॉक का मैसेज ना आए तो आप F12 की प्रेस करें। यहाँ वॉन ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस को नो करके विंडो को एक्सेप्ट कर लें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए एस्केप की प्रेस करके बाहर आ गए हैं। आइए इस बिल का भी प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए पेज अप की प्रेस करें। पहले हमने आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने का एक तरीका बताया था, यहाँ पर दूसरा तरीका देख लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल और आर की प्रेस करें और फिर यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू के लिए आई की को प्रेस करें। बिल को अच्छे से देखने के लिए जूम पर क्लिक करें। अब बाहर आने के लिए एस्केप की का उपयोग करें। चलिए एक और ट्रांजैक्शन तेज गति से कुछ नया सीखते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं। 31 जुलाई 2020 को हमने मोहन ट्रेडर्स को सोनी टीवी 20 इंच वाले 2 नग 26,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचे, जिनका कुल अमाउंट 52,000 रुपए हमें HDFC बैंक के चेक नंबर 121254 डेटेड 31 जुलाई 2020 से माल डिलीवरी के साथ ही प्राप्त हो गया। गेटवे ऑफ टैली से वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर के लिए F8 की प्रेस करेंगे, डेट के लिए F2 की प्रेस करेंगे, फिर पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि माल देते समय ही हमें चेक प्राप्त हो जाता है तो हम उस चेक को अपनी जिस बैंक में जमा करने वाले हैं, जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने वाले हैं, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। फिर डिस्पैच डिटेल्स दें और फिर पार्टी डिटेल्स डालेंगे। आप जिसे माल बेच रहे हैं यदि उसका लेजर आपके यहाँ बना हुआ है तो पार्टी डिटेल्स में बायर्स डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही होगी, उसमें से पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लें। हम मोहन ट्रेडर सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा करते ही उसका पूरा पता जो आपने उसका लेजर बनाते समय दिया होगा वो आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यदि आप डिस्पैच डिटेल्स तथा पार्टी डिटेल्स के अलावा कुछ अन्य डिटेल्स भी देना चाहते हैं तो उसके लिए मोर डिटेल्स ऑप्शन है, इस पर माउस से क्लिक करें या कंट्रोल के साथ आई की प्रेस करें। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ मोर डिटेल्स आ रही है, इसमें से आप जिस तरह की डिटेल्स और देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। हम ऑर्डर डिटेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही ऑर्डर डिटेल्स की छोटी विंडो आ गई है,
अब आप यहाँ ऑर्डर से संबंधित जो भी डिटेल्स देना चाहें दे सकते हैं। हम कोई डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं, इसलिए एस्केप की से वापस पहले वाली स्क्रीन पर चल रहे हैं। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट लेंगे, यहाँ से नेम ऑफ आइटम चुनें, क्वांटिटी डालें, रेट डालें। यहाँ वही रेट आ जाएगा जिस रेट में आपने पहले ये माल बेचा होगा। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। यदि बिल में एक से ज्यादा आइटम्स हैं, तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें। अब एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें, बैंक पर लोकेशन दें। यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में जिस तरह से पेमेंट हुआ है, स्पेस बार प्रेस करके लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप में से उसे सिलेक्ट करें। हम चेक सिलेक्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर में कस्टमर ने जो चेक दिया है उसका नंबर टाइप करें। इंस्ट्रूमेंट डेट में कस्टमर के चेक की तारीख टाइप करें। बैंक के आगे कस्टमर ने जिस बैंक का चेक दिया है उस बैंक का नाम टाइप करें। फिर नरेशन टाइप करें और कंट्रोल और ए की से एक्सेप्ट कर लें। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय पार्टी डिटेल्स और डिस्पैच डिटेल्स की विंडो ना आए, तो आप F12 की प्रेस करें। अब यहां से अपनी जरूरत के हिसाब से इन ऑप्शंस को नो करके विंडो को एक्सेप्ट कर लें। नो करने पर इस तरह की विंडो नहीं आएगी, और इसके बाद भी यदि आपको काम के बीच उनकी जरूरत लगती है तो आप इन्हें मोर डिटेल्स की सहायता से ला सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप चाहते हैं कि वाउचर बनाते समय स्वतः ही इस तरह की विंडो आए, तो आप इन्हें यस करके विंडो को एक्सेप्ट कर लें। हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं और एस्केप की प्रेस करके पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं। अंत में हमने जो 5 एसी अशोक ट्रेडर से खरीदे थे जिनकी एंट्री करना रह गई थी, वो अब कर लेते हैं। इस वीडियो में आपने सेल्स वाउचर के बारे में जाना। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको डेबिट नोट वाउचर क्या है और उसमें परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताएंगे।